आप देख रहे हैं एचआर न्यूज, मैं मोहनलाल और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट सुनील भार्गव जी, जो रेवाड़ी शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर के यूटिलिटी कोर्ट के अंदर मामले डालते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खास असर रेवाड़ी में नहीं पड़ रहा। इन दिनों ताज़ा मामला है अतिक्रमण को लेकर के, लगातार जिस तरीके से एचआर न्यूज आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से शहर के अंदर अतिक्रमण का आतंक यानी कि प्रशासन के लिए नासूर बना हुआ है और अतिक्रमणकारी मानने को तैयार नहीं है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दो तीन दिनों से किस तरीके से। और बताएं, अभी हाल ही में जब चुनाव हुए थे बड़ा मुद्दा उठा था अतिक्रमण का, लेकिन कोई असर अभी तक जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आपको बताएं, नब चेयरमैन मार्केट में गई, हाथ जोड़े लोगों से अपील की कि आप अतिक्रमण न करें, शहर का सौंदर्यकरण बनाने में योगदान दें, लेकिन कुछ हरधर्मी और जिद्दी दुकानदार ऐसे हैं यानी कि पूरी बेशर्मी उन लोगों ने धारी हुई है और मानने को तैयार नहीं है। कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से यानी कि मोती चौक पर घंटेश्वर मंदिर के पास लोगों ने दुकानों के बाहर कितना लंबा अतिक्रमण, हमने सीधा आपको यानी कि वो तस्वीरें दिखाई थी। ऐसा ही हाल कमोबेश जीवली बाजार का है, तस्वीरें आप एक साइड में देख रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की हालात और स्थिति है। एडवोकेट साथ हमारे साथ जी हैं सुनील भार्गव जी, एक बार इनसे जानेंगे कि आखिर कोर्ट में जो मामला गया कहाँ तक पहुँचा है, क्या स्थिति है, क्योंकि चर्चाएँ हैं के बिना भय के प्रीत नहीं, तो ये स्थिति कमोबेश है। भार्गव साहब क्या कहेंगे, जो आप लोग कोर्ट में गए और बाकायदा आप लोग हर मामले पे जाते हैं, चाहे सफाई व्यवस्था, चाहे आवारा सांड का मुद्दा, पिछले दिनों आपने देखा होगा डोली की मौत आवारा सांड से, वो भी हमने आपको परसों दिखाया, क्या कहेंगे बार बार, ये क्या कोर्ट एक हल है इन चीज़ों का, क्यों नहीं प्रशासन काम करता, अपनी जिम्मेदारी को समझता। मैं देख रहा हूँ कि लगातार एचआर न्यूज़ करीब 6-7 सालों से इस अतिक्रमण के मुद्दे को हो या शहर की विभिन्न समस्याएं हो, वो बेखूबी निसंकोच अपने चैनल पे दिखाते हैं। मैं पहले तो एचआर न्यूज़ का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वह शहर की समस्याओं को उठा उठा कर लोगों तक पहुंचाते हैं और अफसरों तक पहुंचाते हैं। तो मैं मोहनलाल जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे स्टूडियो में बुलाया, और मैंने पब्लिक यूटिलिटी कोड में 2010 के अंदर शहर में जितनी भी बेसहारा गायें हैं उनका मुद्दा उठाया था, जिसमें नगर परिषद के खिलाफ मैंने आदेश पारित करवाए थे, और उस आदेश की पालना जब नहीं की तो मैंने कोर्ट का सिविल कोर्ट का सहारा लिया, और उस कोर्ट में आज भी पेंडिंग है, और समय समय पर मैं उन मुद्दों को उठाता रहता हूं, और आपके माध्यम से एचआर न्यूज़ के माध्यम से वो मेरी खबरें चैनल पर चलती है, लोगों तक पहुँचती है, और मैं ये देखता हूँ कि अब जो अतिक्रमण का मामला जो आप कह रहे हैं, मैंने शहर के अंदर घुस के देखा कि नगर परिषद के बस की बात नहीं रही थी। वो ये कहते हैं कि भाई इसने भी मेरी वोट दी है, इसने भी मेरी वोट दी है, तो वोट तो सब दुनिया ने दी है, इसका मतलब शहर को छोटा सकरा कर दे। और आपके चैनल के माध्यम से मैंने कल भी देखा, परसों भी देखा, आप समय समय पर उठाते रहते हैं, तो मेरे मन में एक आई विश्वास जगा कि मैं अगर कोई और लोग नहीं उठाते तो मैं क्यों ना अपने साथियों के साथ मिलके पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट के अंदर ये बात दायर करूं, ताकि उनको ये कहने का मौका ना मिल सके, नगर परिषद को या चेयरमैन पर्सन को या है ना डीसी साहब को ये कहने का मौका ना मिल सके कि वह है ना हमारे तो उस आदमी नेता के फ़ोन आ रहे हैं या उसका फ़ोन आ रहा है। तो ये कोर्ट का सहारा मैंने इसीलिए गया है, और इसीलिए मैंने पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट के अंदर ये बात दायर किया है अतिक्रमण के खिलाफ। उसके अंदर 22 फरवरी लगी हुई थी, इनको बकायदा नोटिस किया, जिसके अंदर मैंने नगर परिषद के ईओ को पार्टी बनाया और चेयरपर्सन को पार्टी बनाया, डीसी साहब को पार्टी बनाया, कल तीनों की तरफ से अपीयर हो गए हैं, और अब नेक्स्ट डेट उनके जवाब के लिए 1/3/2021 लगी हुई है। तो देखिए 1 मार्च की तारीख लगी हुई है जैसा वकील साहब ने बताया, लेकिन समस्या ये है कि चलिए यूटिलिटी कोर्ट में मामला अब गया, हालांकि बहुत प्रयास हुए, आपको ध्यान होगा मनोज जीओ थे लगातार, यानी कि तमाम उन्होंने हथकंडे अपनाए गांधीवादी तरीके से लोगों को समझा करके, यही पैटर्न नब चेयरमैन पहुंची बाजार के अंदर, तमाम पार्षद भी वहां गए, हालांकि मीडिया को उन चीज़ों से दूर रखा गया, लेकिन क्या लगता कोई असर हुआ, कोई सुनने को तैयार है बाजार के लोग, या इतने जिद्दी और हठधर्मी है कि उनको कोर्ट का भी डर नहीं है, किसी भी चीज़ का डर नहीं? अभी कोर्ट से मोहनलाल जी, अभी कोर्ट से आदेश पारित नहीं हुए हैं, अभी कोर्ट से नोटिस हुआ है, उसमें चेयरपर्सन जैसे गांधीवादी तरीका अपनाती हैं, क्योंकि उन्होंने वोट ली है, वो इसलिए कि ताकि है ना लोगों को ये विश्वास मेरा ये रहे कि मैंने जो वोट ली है तो कहीं वोट की राय है ना मेरी ख़राब ना हो जाए, या आगे आने वाले दिनों में बीजेपी की वोटें ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये नेतागिरी की बात है। अगर
वास्तव में प्रशासन अगर इसके प्रति गंभीर है, जैसे आपका चैनल गंभीर है या और चैनल गंभीर है या अखबार गंभीर है, अगर ये वास्तव में अगर गंभीर हो जाए तो मैं ये कहता हूं कि एक हफ्ते के अंदर शहर अतिक्रमण मुक्त हो सकता है। लेकिन आप स्थिति देखिएगा, जैसे यानी कि जाने के बावजूद जब चेयरमैन जाती है, हाथ जोड़ती है, उसके बावजूद हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई थी घंटेश्वर मंदिर की, आपने देखा, यानी कि 3 होर्डिंग लगा दिए, डमी लगा दी और उसके बाद बाइकें खड़ी कर दी, फिर कार्टून लगा दिए। ये स्थिति यानी कि कुछ डर खौफ प्रशासन का है या नहीं है अतिक्रमणकारियों में? और आपने नोट किया होगा कि जितने भी जो लोग हैं फोटो खिंचवाने के लिए तमाम चेयरमैन के साथ घूमते रहे, तमाम पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जय जयकार करते हैं सरकार की और वही सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप एज ए एडवोकेट? मैं एज ए एडवोकेट और एज ए सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण मैं ये देखता हूँ कि प्रशासन वास्तव में नहीं चाहता, ये एक दिखावा करता है। अगर ये चेयरपर्सन या नगर परिषद के अधिकारी ये ठान लें कि मैंने है ना ये पहले मुनादी करवाए शहर के अंदर, मुनादी करवा के अगर लोग फिर भी नहीं मानते हैं, जैसे जो हमारी चेयरपर्सन गई, मैं उनका आभारी हूँ कि वो लोगों के बीच में गई, उन्होंने हाथ जोड़े, गांधीवादी तरीका अपनाया और अब गांधीवादी तरीका अपनाने के बाद यहाँ पर नगर परिषद को मुनादी करानी चाहिए और मुनादी के बाद भी अगर लोग नहीं मानते तो उनकी वीडियोग्राफी करवा के उनके चालान काटने चाहिए, और अगर फिर भी नहीं मानते तो उसका अगर एक बार चालान नहीं मानते तो पहले 5,000 का, फिर 20,000 का, फिर 50,000 का, तो अपने आप मान जाएंगे लोगों का। आपको लगता है जैसे दिल्ली के अंदर किया जाता है, आप गाड़ी तेज चलाइए, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, ट्रैफिक में कोई नहीं रोकेगा, सिर्फ आपका कैमरे में आया सीधा आपके चालान आपके नंबर पे, इस तरीके का कोई पैटर्न अपना? बिल्कुल, कैमरे बाजार में कैमरे लगे थे, कहाँ गए वो कैमरे? बिल्कुल, क्या मतलब ये कहा गया था कि नगर परिषद में तमाम जो ये हैंडल होंगे पूरे बाजार वहाँ एक छत के नीचे चला जाएगा, देखा जाएगा, क्या ये तमाम चीजें हुई? और हम आपसे जानना चाहेंगे यूटिलिटी कोर्ट में आपने डाला कौन कौन लोग उसमें शामिल है थोड़ा? पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपने कैमरे वाली बात कही, लाखों रुपए खर्च कर दिए कि भाई ये हमारी तीसरी आंख बनेगी, और जैसे दिल्ली के अंदर होता है कि लोग उस कैमरे में फीड हो जाता है और उसके घर पे चालान भेज देना चाहिए, इनको पता है कि ये दुकानदार का क्या एड्रेस है, उसके पास पर चालान भेज देना चाहिए, ये कह के कहना ही नहीं चाहिए। और तीसरी आंख कहाँ गई, लाखों रुपए बर्बाद हो गया, आज तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहाँ कैमरे गए या कैमरे किस स्थिति में, आज तक नहीं है। मैंने इस कैमरे के बारे में और आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट के बारे में, आपने ट्रैफिक लाइट के बारे में भी देखा होगा कि नगर परिषद ने ट्रैफिक लाइट पे लाखों रुपए, मैं कहता हूँ करोड़ों रुपए कई बार खर्च कर दिए, फिर भी ढाके तीर पाते, आज भी ट्रैफिक लाइट 2 दिन चली थी, उसके बाद करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वही ढाके तीर पाते। ऐसा ही अगर नगर परिषद का यही हाल रहा, यही घोटाले रहे, तो ये आने वाले दिनों में लोगों को खौफ खत्म हो चुका है। अगर प्रशासन का वास्तव में खौफ है, और हमारी चेयरपर्सन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि गांधीवादी तरीका तो उन्होंने अपना के देख लिया, अब उनको एक डंडे का तरीका, आप ये देख रहे हैं गांधीवादी तरीका, दूसरे दिन ही फजीयत करवा दी उनकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन नगर परिषद चेयरमैन, तमाम पार्षद 31 के 31 पार्षद गए, हाथ वहां जोड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से अंदर होइए, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम आपको जीवली बाजार की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से उन लोगों ने सामान लगाया हुआ है, यानी कि कोई शर्म इनकी आंखों में है या नहीं है कि ये चाहते हैं कि बाजार में ग्राहक आए या ना आए? ये बाजार के जितने भी दुकानदार हैं इनको कई बार पहले भी है ना सचेत कर दिया गया, नगर परिषद आती है या तो उनको सूचना पहले से हो जाती है कि भाई नगर परिषद आ रही है, आप सामान अंदर रख लो और फिर बाद में बाहर रख दो, ये ऐसा क्यों हो रहा है? निकल, आपने देखा हड़कंप मचा, जैसे हम लोग वहाँ कैमरा, आज भी हम कैमरा लेके जब हम शूट कर रहे थे तमाम दुकानदार सामान उठाने लग जाते हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा, कोई व्यवस्था बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? आप एडवोकेट हैं, आप लगातार लगे हुए हैं, कई सारी संस्थाओं ने भी मिलकर के आपके साथ जो है, और भी एडवोकेट उनके अंदर शामिल हैं मेरे साथ जो पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में है, मैं मेरी जूनियर रेनूरा हैं, धर्मेंद्र सुहाग है, उग्र सिंह अग्रवाल जी हैं, और कई लोगों ने मेरे साथ मिलकर ये दावा डाला है। मैं देखो, मैं तो मुद्दे उठाता रहूँगा, नगर परिषद को काम करना है तो अगर वो अड़िगल रवैया अपनाए और कोई दुकानदार को भेदभाव ना रखे, और अगर कोई भी दुकानदार पहले कैमरे लगाए, जो कैमरे अगर ख़राब भी पड़े हैं लाखों करोड़ों रुपए के लगाने के बाद भी, उस कैमरे का पहले हिसाब दें और कैमरे को ठीक करवाएं, और कैमरे से ये देखें तीसरी आंख से कि वो कौन दुकानदार दूसरे दिन वहां पर रख रहा है, और उसके चालान उसके घर भेज दें, या उसका चालान चुपचाप जाके
ढिंढोरा नहीं करें, ये ढिंढोरा करते हैं और अखबारबाजी हो जाती है। सीधा सीधा क्यों नहीं कोर्ट में पेश कर देते, जैसे भाई आप एक कॉपी उसके बाद भी तो आपका चलान कट गया 20,000 का 10,000 का आपने, बिल्कुल यानी कि जिस तरीके से हठधर्मी दुकानदारों ने किया है उनका इलाज क्या हो? उनका इलाज यही है कि उनके खिलाफ चालान तैयार करें, चालान काट के कोर्ट में भेज दें, उनको तकलीफ होगी, वहां पर जब कोर्ट में जाएंगे वहां बैठेंगे तो उनको ये एहसास होगा कि अपना काम छोड़ के हम यहाँ कोर्ट के आगे बैठे हैं, और कोर्ट जब कम से कम इसमें अमेंडमेंट करके पहले ये सूचना दे कि 5,000 रुपये का चालान है और उसमें हमें म्यूनसिपल एक्ट के अंदर प्रोविजन भी है, और उसमें फिर 10 डबल है दोबारा करता है तो 10,000 का चालान तो, और फिर 20,000 का। अब ये अगली सुनवाई आपकी 1 मार्च की रखी गई। यस सर, क्या लगता है क्या फैसला 1 मार्च को? 1 मार्च को मोहनलाल जी अभी उन्होंने जवाब देना है, 1 मार्च के बाद पता चलेगा वो क्या कहते हैं। पहले तो वो यही कहते थे कि शहर में अतिक्रमण ही नहीं है, शहर में बेसारा पशु नहीं। आपने देखा होगा कि नगर परिषद ने 2016 के अंदर ये कहा था कि शहर कैटल फ्री हो गया। अरे कैटल फ्री कहां से हो गया, सरकार का पैसा आया, लाखों रुपए आया सरकार का, उन्होंने कच्चे बाड़े बना दिए। आपने देखा होगा कच्चे बाड़े बने, वो कच्चे बाड़े कहां गए, पैसा कहां गया, कुछ नहीं पता, कोई हिसाब नहीं। नगर परिषद का घोटाला कब उजागर होगा ये मैं नहीं बता सकता। नहीं, अब तो करीब 6.5 साल हो गए, उससे पहले कहते थे बोलो जी घोटाला होगा, कमजोर यानी कि यहाँ का विधायक है, और 6.5 साल में भाजपा का विधायक आ लिया, उसके बाद दोबारा से कांग्रेस का विधायक आ लिया, आखिर इसका हल होगा कैसे? आपने आवारा सांड का मुद्दा उठाया था लगातार, उसके अंदर भी बोला जी कैटल फ्री हो गया, और फिर आप लोगों ने मुद्दा उठाया पिछले दिनों ध्यानों का डोली की मौत हुई, कोई उसका कोई हल हुआ, उसके बाद कोई सबक लिया प्रशासन ने, ये मैच खाना पूर्ति करके 2-4 सांड पकड़े और दिखा दिए कागजों के अंदर? इन्होंने, हम डीसी साहब से मिले थे, आपने जो डोली का मुद्दा कहा, जो सांड से मर गया था बच्चा, आपने प्रदर्शन किया, हमने प्रदर्शन किया, और आप लोगों ने बड़ी कवरेज करी एचआर न्यूज के चैनल से, और पूरी कवरेज करी, पूरे शहर के लोग वहां पर इकट्ठे थे, और लोगों ने एक शांति मार्च निकाला था। प्रशासन ने ये आश्वासन दिया था कि हम इसके बच्चों को या परिवार वालों को नौकरी देंगे, प्रशासन ने ये कहा था कि इसको मैं आर्थिक सहायता देंगे, आज तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है, ना ही परिवार वालों को नौकरी मिली है। ये ढाक के तीर पात है, ये करते को कुछ है दिखाते कुछ है। मैं ये कहता हूँ जो अतिक्रमण का मुद्दा है आप जो बार बार उठा रहे हो, और अतिक्रमण का मुद्दा है, मैं भी इसमें गंभीर हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये कहेंगे ये नहीं, ये मैंने उनसे ये चेयरपर्सन के चेयरपर्सन के हस्बैंड से ये कहा कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, मेरी कोई लड़ाई किसी से राजनीतिक नहीं है, ना मेरी, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मैं सामाजिक काम करता हूँ, और देखा होगा कि आपने, मैं हमेशा सामाजिक मुद्दे उठाता हूँ, और मेरा अपना कोई पर्सनल रंजिश किसी से नहीं है। क्योंकि व्यापार पूरी तरीके से वैसे ही कोरोना काल में ठप हो गया, और अब बोर्ड बहुत बड़ी स्थिति होने लगता है, इसका जिम्मेदार भी बाजार ही के लोग है, दुकानदार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बाजार के दुकानदारों पर जब तक प्रशासन का डंडा नहीं चलेगा, मैं ये कहता हूँ कि लोग डंडे से घबराते हैं, और डंडा भी आर्थिक रूप से कमजोर करें। जब तक आप है ना किसी दुकानदार का चालान एक बार दो बार तीन बार चार बार नहीं करेंगे, कभी परवाह नहीं करेगा प्रशासन की। लेकिन दुकानदार तो कहते हैं 500 रुपए की पर्ची काट के जाते हो, 500 की कटा लेता है, वो दोबारा ये बिल्कुल टारगेट रेडी वालों को किया जा रहा है वहां पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई है ना टारगेट रेडी वालों को किया जाता है। आपने ये प्रशासन ने ये कहा नगर परिषद के कि हम रेडी वालों को अलग स्थान देंगे, क्या आज तक दिया गया? इन्होंने ये कहा कि हम साइकिल स्टैंड बनाएंगे, रिक्शा स्टैंड वहाँ बनाएंगे, आज तक करा इन्होंने? सिर्फ ढाक के तीन बातें, मीटिंग होती है, डी साहब लेते हैं, उसमें नगर परिषद के अधिकारी कह जाते हैं कि हम ये कार्रवाई कर देंगे, 2 दिन कार्रवाई चलती है, 3रे दिन वही ढाक के तीन बात होते हैं। आपने चलिए अभी एक और हम मुद्दा उठाते हैं कि जब चुनाव नहीं होते उससे पहले तो तमाम जो पूर्व पार्षद थे जो जिनका कार्यकाल खत्म हो गया था वो कहते थे वे हमारे बस की नहीं है, कार्यकाल हमारा खत्म हो गया नगर परिषद के अंदर है। अब तो तमाम चुनाव हो चुके, चेयरमैन मिल गई, पार्षद मिल गए, क्या अब भी पार्षद का या चेयरमैन का इतना रुतबा नहीं है कि वो नगर परिषद के अधिकारियों को कहकर के सख्ती से इस चीज़ों से निपटा जाए? हमारा सांड बाजार में आप देखिए किस तरीके से, हमने आपको परफेक्ट तस्वीर दिखाई कि बाजार में से किस तरीके से 2 सांड दौड़ते हुए जा रहे हैं एक दूसरे के पीछे, अगर कोई उनकी चपेट में आ जाता क्या हाल होता? बीजेपी के में आपने देखा होगा
के चुनाव से पहले, नगर परिषद के चुनाव और चेयरमैन के पार्षद के चुनाव से पहले और चेयरमैन के चुनाव से पहले इन्होंने अपने एजेंडे में शामिल किया था बेसहारा पशु का किया था, अतिक्रमण का किया था, शहर की सफाई का किया था और शहर की ट्रैफिक लाइट का क्या था, इन्होंने ये कहा था कि उसके ट्रैफिक नियमों को हम सुचारू रूप से चलाएंगे। आज वो मुद्दा एक, मैं ये कहता हूँ कि अगर एक एक मुद्दा ले भी ले जो इनके में एजेंडे में लिखा हुआ था तो शहर नीट एंड क्लीन हो जाए। तो लाइटें भी जलती कहाँ हैं, जो लाइटें फैंसी लाइटें लगाई हैं घड़ी बोलनी रोड पे, कभी अपवाद स्वरूप मान जाएगा दो बार के लिए जली हो तो जल जाए, कहीं दिन में जलती है कहीं रात में नहीं जलती। तो यानी कि जो स्थिति है कौन इस सब चीज़ को मैनेज कर रहा है, कोई स्थिति कोई है कोई निवाड़ी का धनी धोरी कोई जो आराम से इन चीज़ों को? मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा कि इन्होंने करोड़ों रुपए, मेरे को लगभग लगता है कि 20 करोड़ रुपए मिनी बाईपास पे खर्च कर दिए, अभी बाईपास बनाने अतिक्रमण है, लाइटें लगा दी, इतनी लाइटें लगा दी कि एक एक सुल्तान नाइट 2.5 लाख रुपए की, शायद मेरे को जहां तक लगभग 2.5 लाख रुपए की एक सुल्तान नाइट है, और शहर पे लाइटों का बोझ डाल दिया, वे बिजली का बिल फालतू आ रहा है शहर पे लाइट। यार पहले तुम वो वहां पर मिनी बाईपास में जो अतिक्रमण में वो तो बनाओ, बाद में लाइटें लगाते, करोड़ों रुपए लाइटों पे खर्च कर दिया। आज आपने ये सही कहा कि लाइटें नहीं जल रही हैं, आप लाइटों का आज तक कोई धनी दोरी नहीं है, पूछने वाला नहीं है। आज आपने देखा होगा शहर में सड़कें बनती हैं, कभी भी सड़क लेवल के अनुसार नहीं बनती, कोई भी नगर परिषद का अधिकारी MEO JEO या EO कभी भी नहीं देखने जाता कि ये सड़क लेवल के अनुसार बनी है कि नहीं बनी, कितनी कैसे बनी है, नहीं बनी, क्यूरिंग नहीं होती पानी की। नहीं, आपको साथ में ये भी लगता है कि नगर परिषद में बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी कुंडली मार के बैठे हैं जो कई दशकों से हैं, जिनका ट्रांसफर यहाँ से नहीं होता है, क्या लगता है ये भी एक कारण है कि अतिक्रमण इस वजह से बढ़ता कि सब उनकी शह है अंदर खाने? आप ये मान सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई जो कुंडली मार के बैठे हैं उनके इतने लोगों से संपर्क हो गए, वो खुद बता देते हैं कि आज यहाँ से टीम चल रही है नगर परिषद की, उनको इन्फॉर्मेशन दुकानदारों को हो जाती है। और कुंडली मार के जो बैठे हैं, अगर जब तक नए अफसर वापस नहीं आएंगे नगर परिषद के अंदर और रीशफलिंग नहीं होगी, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा और अतिक्रमण कभी नहीं हटेगा। तो तमाम आप जो एडवोकेट लगे हुए हैं, समाज सेवी संस्थाएं लगी हैं, क्या विकल्प क्या है आप लोगों के पास? अलावा आप यूटिलिटी कोर्ट में चले गए, तारीख लग रही है 1 मार्च, जवाब इनको देना है, लगता है आपको समाधान कहीं? मैं आपको बताता हूँ या कोर्ट क्या सकती कर सकती है? कोर्ट का समाधान ये है कि इनको ये कहने का मौका लोगों को नहीं मिलेगा, या मुझे या और लोगों को कहने को नहीं मिलेगा कि हमारे ऊपर तो है ना राजनीतिक दबाव आ रहा है अधिकारियों को, इसलिए मैं कोर्ट का सहारा लिया है। क्यों? कोर्ट एक ऐसी संस्था है जिसका आदेश पारित होने के बाद उनको काम करना पड़ेगा, चाहे वो कितने समय करें या ना करें, मेरे अगर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करते हैं तो मैं उनको कंटेम्प्ट में भी खींचता हूँ। और कंटेम्प्ट में आपने देखा होगा कि बेसहारा पशु के अंदर मैंने नगर परिषद की गाड़ी भी अटैच करवाई थी कोर्ट से, इन्होंने कोर्ट में ये माना था कि, और कोर्ट में हमेशा कागजी कार्रवाई कर देते हैं कि हमने 500 पशु उठा दिए, शहर में 500 है क्या बेसहारा पशु, बताइए मेरे को गिनवाए तो सही। इन्होंने ये कहा, डी साहब ने मीटिंग ली, उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने हमने टैगिंग करवा रहे हैं बेसहारा पशुओं के लिए, वहाँ गौशाला हम बनवा रहे हैं, कहाँ है यार? आप काम धरती पर करो, मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मैं हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पेयर हैं, जनता टैक्स देती है, जनता से जनता को राइट है। और आप कह रहे हो डिजिटल हम बना रहे हैं, देश साफ सुथरा हो, मोदी जी कह रहे हैं स्वच्छता अभियान, आप बताइए कैसे स्वच्छता अभियान की बात की? आपने देखा होगा स्वच्छता अभियान की टीम बाहर से आती है तो उनको लीपा पोती करके दिखा देते हैं कि आज हमने यहाँ पर स्वच्छ कर दिया, क्या शहर स्वच्छ मुक्त है? नहीं। जब टीम आती है उनको, टीम को राजी करने के लिए कहीं होटलों में ठहरा देते हैं उनका दिखा के, और एक जलवा एक वीडियोग्राफी अपने शहर की जहाँ पर है पूरे शहर की नहीं दिखाते। चलिए एक और मुद्दा था, जैसे पिछली बार का बात की गई थी कि सफाई व्यवस्था के लिए मशीन ली गई है, बताया जाता करीब 1.25 करोड़ की मशीन आई है जी, क्या वो मशीन का कहीं यूज नजर आ रहा है? बताया जा रहा है कि कबाड़ में वो मशीन खड़ी है। इन्होंने ये कहा था कि ये जो सफाई मशीन आई है बड़े जोर शोर से अखबारों में और आपके चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये कहा था कि ये रात को सफाई होगी और है ना ये मशीन चलेगी और इसके अंदर ये होगा, कहाँ है मशीन? पूर्व विधायक जी ने स्वयं वहां मशीन है का, जो हमारे पूर्व विधायक है कापड़ीवाल जी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था,
वो मशीन मैंने आज तक शहर में चलती नहीं देखी, है कहाँ, करोड़ों रुपए खर्च होता है यार शहर की स्वच्छता पे। तो क्या माना जाए, मतलब नगर पे से पूरा भ्रष्टाचार के गढ़ है। मेरे को तो ये लगता है कि बिल्कुल ये अगर जब तक इसकी रीसफलिंग नहीं होगी या इनके अधिकारियों पर कोई गाज नहीं गिरेगी या इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी तब तक ये काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा इन्होंने एक स्कीम चलाई थी कि भाई कोई भी बाहर शौचालय करने नहीं जाएगा, पता है आपको, सोच करने नहीं जाएगा। वो कहाँ गए शौचालय, कहाँ गए, जहां पर आज भी आपने देखा होगा कि जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं बाहर लैट्रिन करके आते हैं, खुले में जा रहे हैं, आज वो कहाँ गए, शौचालय गए है कहाँ, कोई बताए तो सही भाई इन्होंने शौचालय बनाए से ना देश का पैसा इतना बर्बाद कर दिया, सरकार हरियाणा सरकार का पैसा इतना बर्बाद हो गया, गए कहाँ, वो आपने देखा कहीं धरती पर धरातल में है। तो देखिए ये थे हमारे साथ सुनील भार्गव जी, और लगातार जिस तरीके से हमने आपको बताया कि ये लोग कोर्ट में गए हुए हैं और 1 मार्च की तारीख भी लगी हुई है, अब क्या कुछ उसमें निकल के आएगा जवाब वो अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन स्थिति ये है कि शहर अतिक्रमण के जंजाल से पूरी तरीके से फंसा हुआ है। शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं है, चाहे आपका जीवली बाजार हो, चाहे आपका जो पंजाबी मार्केट हो, तमाम जगह ये स्थिति बनी हुई है। अगर आप पंजाबी मार्केट में जाइए, स्थिति यानी कि आपको 2 फुट 2.5 फुट का भी रास्ता नहीं छोड़ रखा है उन लोगों ने। और सबसे बड़ी जो स्थिति निकल के आती है वो आती है होड़ के अंदर, कि अगर आपने, मैंने 2 फुट लगाया तो मेरा पड़ोसी 5 फुट लगा रहा है, उससे अगला 7 फुट लगा रहा है, ये स्थिति कमोबेश शहर की है। और इन लोगों की आपसी लड़ाई के अंदर आम आदमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप एक और बात बताइए भार्गव साहब, इसका हल कैसे होगा? अब जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, यहाँ बैठ करके बजे लोगों द्वारा कह जा रहा है, इन्हीं दुकानदारों द्वारा, किसानों की वजह से देश परेशान हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। अरे आप पूरे दिन शहर को परेशान करते हैं, आपका कौन सुनने वाला, आप किसी की मानते हो? बिल्कुल नहीं मानते, ये शहर के जितने भी दुकानदार हैं ये चिकना घड़े के बराबर हो चुके हैं, कभी नहीं मानते। लेकिन सत्ता के साथ रहे, सत्ता की मलाई खाएं, सत्ता की गोभी भी यही खोद रहे हैं। बिल्कुल, बताइए, कल भी हमने दिखाया एक भाजपा नेता की दुकान के बाहर, बताइए। मैं ये कहता हूँ कि ये जो भाजपा नेता है ये खुद एंक्रोचमेंट करते हैं, ये पहले, मैं ये कहता हूँ अगर मैंने एंक्रोचमेंट अपनी कर रखी है तो पहले मेरा तोड़े। लेकिन कोई सामने जो भाजपा नेता है जिनकी दुकान है वो ये सीना चौड़ा करके तो दिखाए कि भाई मेरे घर, मेरी दुकान के आगे अतिक्रमण है ही नहीं, तभी तो लोगों को कह सकते हैं। पहले तो वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, उन्होंने फुटपाथ दे रखे हैं अपनी दुकानों के आगे। आपने देखा होगा संडे बाजार लगता है, उस संडे बाजार में दुकानदारों ने उनको उनसे पैसा लेते हैं, मोटी कमाई। जैसे हमें कल एक गोकलगढ़ के गोकल बाजार के प्रधान ने बताया कि 35-35-40 हजार रुपए महीने लिए जा रहे एक एक फड़ वाले से। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और इवन है ना, ये कहते भाई रेडिया खड़ी है, रेडिया किसकी सह पे खड़ी होती है, दुकानदारों की सह पे। अगर मेरे दुकान के आगे कोई रेडी लगाता है, नहीं, दुकान के आगे तो लगाने ही नहीं देते, दुकान के आगे तो बिना पैसे के तो लगी नहीं। हाँ, बिना पैसे नहीं लग सकते। और अगर वो बीच में लगाते तो उनको तंग किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ जो गरीब तबका है, जो रेडी वाला है अपना पेट पाल के शाम तक है ना रोजी रोटी अपने बच्चों को खिलाए ना कमाने के लिए लगा रहता है, धूम में खड़ा रहता है, उनको स्थान तो दो। पहले यहाँ पर आपने देखा होगा महाराणा प्रताप के चौक के पास स्थान दिया गया था, वो कहाँ गया? नहीं, एक और बात आ रही है कि रेवाड़ी का मार्केट तो सबसे छोटा मार्केट है, फिर दिक्कत कहाँ है? इनको नहीं लगता बीच के अंदर रेडी को जगह मिल जाए, वन वे भी हो जाए? पहले आपने देखा होगा कि वे बीच में रेलिंग लगाई गई थी शहर के बीच में। हाँ, वो लगा था। और ये कहा था कि इससे के आगे कोई नहीं आएगा, वो रेलिंग भी कर, डिवाइडर जो लगे, डिवाइडर लगे थे, नहीं डिवाइडर भी लगे थे, वो डिवाइडर तो लगे ही थे, उससे तो चलो ये कहते थे भाई शहर छोटा हो रहा है, यहाँ से रास्ता नहीं मिल पा रहा। आपने देखा होगा शहर के, आप मोती चौक देखो आप कितना चौड़ा है, क्या डिवाइडर लगने के बाद आदमी जा नहीं सकता? ऐसा नहीं है। लेकिन ये सोच जब तक नगर परिषद के अधिकारी इस पर शिकंजा नहीं कसेंगे और हमारे जिला प्रशासन के जो मुखिया है डिप्टी कमिश्नर साहब इनको नहीं खींचेंगे इन नीचे के अधिकारियों को, तब तक ये काम नहीं चलेगा। तो देखिए सीधा सीधा वकील साहब का कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहना है कि इस समस्या से निपटने के लिए शासन प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, और क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक इसमें बड़ा अड्डे आता है और लगातार इस बात के आरोप लगते रहे हैं, चाहे पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास हो या उससे पहले कैप्टन अजय सिंह यादव रहे हों, तो तमाम लोगों ने ये आरोप लगाया कि वोट बैंक के चलते यहाँ से अतिक्रमण नहीं हट पा रहा है। लेकिन अब तमाम बाधाएं दूर हो गई है, नगर परिषद को नया चेयरमैन मिल गया है, पार्षद तमाम नए चुन के आ चुके हैं,
देखना ये है कि शहर के आम लोगों को बाजार में, शहर भर में जो जगह जगह बाजार हैं, या मॉडल टाउन हुआ है आपका, चाहे आपका जीवली बाजार है, तमाम जो बाजार है, नया बाजार है, कब यहाँ से अतिक्रमण से निजात मिल पाती है। और ये बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि शहर इस वक्त अतिक्रमण के जंजाल में इतना जकड़ा हुआ है कि आम आदमी बाजार से निकलता हुआ डरता है। एक मैं आपको बताऊं, जो आप नहीं उठा रहे, जितने भी डॉक्टर हैं, आप शहर के अंदर देखेंगे, आप माल टाउन में देखेंगे या और कहीं देखेंगे, इनके इन्होंने अपनी अस्पताल खोल लिए। नहीं, वो तो मुद्दा हमने बीच में उठाया था कि शहर को तोड़ करके लोगों ने, जो अपने मकान तोड़ तोड़ करके हॉस्पिटल बना दिए, वहां रेंट पे दे दिया, लाखों रुपए महीना उनका किराया आ रहा है, उनके और बहुत सारे लोगों ने जो है बिना किसी नियम और कानून के अपनी कोठियों को तोड़ा है और वहां हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया, मॉडल टाउन हो चाहे हरक की, उनके पास ना ही जो है NOC है, उनके पास ना ही CLU उन लोगों के पास है, और ना ही कोई ट्रैफिक खड़ी करने के लिए उनके स्थान है। अंबेडकर चौक आपने देखा होगा, पूरा सर्कुलर रोड पे भी क्या स्थिति है। तो तमाम ये समस्याएं हैं जो HR न्यूज लगातार उठाता आ रहा है। फिलहाल हमने वकील साहब से आपको मिलाया और लगातार हम इस पर चर्चा करते रहेंगे कि आखिर कब इनका हल होता है। फिलहाल इतना ही, इसके बाद फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ।